स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये गोपी भाभी वहां क्या कर रही हैं? बेटी शिवा, मेरा एक काम कर, जाके गोपी बहू से वो टिफिन लेकर आ और उसी में अहम को खाना परोसना। लेकिन खबरदार, इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, समझी गई? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं किसी से कुछ भी नहीं बोलूंगी। गोपी भाभी, जय श्री कृष्णा मां। गोपी दिखला मां, ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। जय श्री कृष्ण भाभी। जय श्री कृष्ण की अंजलि बहन। गोपी भाभी, अच्छा लगा कि आप आई। अरे वाह माँ, यहाँ तो पूरी चौल ही बदल गई है। हाँ भाभी, चौल ही नहीं, काफी कुछ बदल गया है। कैसे हो प्रति? पप्पू, अब ये तेरी परिमिस नहीं है, ये तेरी मामी भी है और तेरी फई भी। पप्पू जा बेटा, जाके बाहर खेल। ओके मम्मी। भाभी आप अचानक यहाँ? वो दरअसल मैं एमजी के लिए उनके पसंद का खाना बनाना चाहती हूँ, पर माँ जी ने मुझे रसोड़े में जाने से मना किया है, इसलिए यहाँ आ गई। सोचा कि यहीं पर उनके लिए खाना बनाकर ले जाऊंगी। तेरे हाथ का खाना खाके कोई तुझसे नाराज हो ही नहीं सकता। वैसे भी सालों हो गए एम भाई ने ढंग से खाना नहीं खाया, उन्हें आपके हाथ का खाना खाने की आदत जो पड़ गई थी। हे मारा ठाकुर जी, आ खबर तो यहाँ चले आ गई। अगर एम का दिल जीतने में ये कामयाब हो गई तो हूँ सच्ची माँ सड़क पर आवी जाइश। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। गोपी चल रसोड़े में चले। हाँ माँ। देखना बड़ी, मम्मी अभी तक आई क्यों नहीं? बड़ी ये तो अच्छी बात है, जितनी देर घर में रहती है मम्मी डांटती तो रहती है, पर मेरी मम्मा तो मुझे नहीं डांटती। पर देखो ना, वो भी पता नहीं कहाँ चली गई। लगता है ये वही फाइल है जो अहम जी ने मीठी को ढूंढने को कहा था, और गोपी भी घर पे नहीं है, तो क्यों ना इन दोनों बातों का फायदा उठाया जाए।
समर, साहिर, विद्या दिख रहा? बस बेटा अब बहुत खेल ली, चलो कुछ खा लो। अच्छा इससे पहले कि मुझे कोई देख ले मैं अपना ये काम पूरा कर लेती। राशि जैसी है, जब काम की बात हो तो फोन ही नहीं उठाएगी। मुझे ही कोई कलाकारी करनी पड़ेगी। गोपी भाभी, कहां पहले पप्पू की तो समर और साहिल से पटती तक नहीं थी, लेकिन अब देखो अपने दोनों भाइयों का गुण गाता रहता है। करूं केवी रीते गोपी ना रंगमा भंग ना को करूं। अरे गोपी दिख रहा? तू कब आई? तू आ शू करे छे? हाँ ला, तारी मामी ने कही देऊ तू, हूँ तने शाक वगारवा मदद करू छे। क्या बात है भाभी, यूं तो तुम रसोड़े में आने से ही कतराती हो। आज अगर रसोड़े में आई हो तो जरूर तुम्हारे मगज में कोई ना कोई बात चल रही है। रसोड़े से दूर रहना। ना मधुबेन, वैसे भी आपसे पहले गोपी मारी दिखरी छे, वो तो साचे ही नहीं मदद करवा मांगू छू। अच्छा हाँ, तो ये बात है, ये लो आ लोट बांधी ना को। माँ, किंजल बेन, मामी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी चलती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दिख रहा? यहाँ तो मैं कुछ नहीं कर पाई, उस छोटी गवार को ही फोन करके बोलना होगा कि वही कोई कलाकारी करे। आगे मुझे बाकी मदद चाहिए होगी। अरे ये तो मेरे कपड़े हैं, अगर माँ जी ने यहाँ देख लिया तो गुस्सा करेंगे। मैं इसे कमरे में रख कर आती।
वैसे मेरी जिगर से बात हो गई है, उसने मुझे कहा मम्मी मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ, बस राशि अभी थोड़ी देर में आती ही होगी। चिंता हो रही है कि पता नहीं कहाँ रह गई। पिछले दरवाजे से आंगन में चले जाना। और बाप, हेलो हेलो, रॉन्ग नंबर होगा पत्या। ये गोपी भाभी वहां क्या कर रही हैं? बेटी शिवा, मेरा एक काम कर, जाके गोपी बहू से वो टिफिन लेकर आ, उसी में अहम को खाना परोसना, लेकिन खबरदार इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, समझी गई? हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं किसी से कुछ भी नहीं बोलूंगी। जल्दी आ गए? हाँ मॉम, एक जरूरी फाइल लेने आया। आप कॉपी मेरी ग्रीन टी लेकर आना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।